मैंने नहीं काम किया, अभी देखे हालत, यहाँ गुरुआ भी वहाँ है, देख लो अभी गहरे से है, खाते सबको ही है, हम ही देंगे, किसान ही देंगे तभी वहाँ खाएंगे। अभी इस टाइम पे टमाटर भी ले लेने जाए 50 रुपए, 60 रुपए, 80 रुपए किलो चल रहा है। अभी यहाँ से हम गाँव से लेके जाते हैं उसमें भाड़ा भी लग रहा है, किसान दो परेशान है महंगाई, हाँ 2 रुपए देती है 5 रुपए देती है। मध्य प्रदेश में आपको ये पता है कि बदलाव की बहार इस समय चल रही है, लड़ाई हर विधानसभा में टक्कर की लड़ाई है, कड़ी लड़ाई है। रीवा विधानसभा की लड़ाई कैसी है, और रीवा विधानसभा में 2 लोग जो प्रत्याशी हैं वो कांग्रेस के राजेंद्र शर्मा है तो बीजेपी के राजेंद्र शुक्ला है, यानी राजेंद्र वर्सेस राजेंद्र है, इस बार क्या कुछ कहती है ग्रामीण लोग, क्या कुछ कहना है? बदलाव है चाहिए, बदलाव चाहिए, पार्टी से बदलाव चाहिए, हम लोग ये भी नहीं चाहते बदलाव, फोन आ गया काम नहीं हो रहा है। अच्छा ये आवारा पशु का बड़ा मुद्दा है, अच्छा खेती जैसे अभी आपकी धान की फसल थी या गेहूँ की फसल होगी, कैसी समस्याएं होती हैं? बड़ी समस्याएं है साहब, गुरुआ हाथ में खा लेते थे, मरीब रात दिन कहाँ कहाँ भाग गए, इधर ही परेशानी है कि अब सोने नहीं पाते हैं, सोने नहीं पाते। तो विधायक जी ने कुछ काम किया इसमें? इसलिए विधायक जी कुछ ने काम नहीं किया, विधायक जी तो बोलते हैं बहुत काम कर रहे हैं, उन्होंने नहीं काम किया, अभी देखे हालत, यहाँ गुरुआ भी वहाँ है, देख लो अभी गहरे से हैं, तो सर हम लोग क्या करेंगे, गरीब आदमी चाहते हैं कि बदलाव को नहीं, अगर करेंगे तो बदलाव को। अच्छा अगर खेती की बात करें तो आपको जैसे आप धान लिए कितने में कैसे बेचेंगे, और खाद बीज के क्या क्या कैसे मिल जाते हैं आसानी से? हाँ किसान लोग देते हैं, हम लोग के पास नहीं है, अधिया करते हैं। खाद भी सस्ती है कि नहीं? महंगी है, तो जुताई भी महंगी पड़ती होगी? हाँ सर जुताई भी महंगी पड़ती है, तो उस हिसाब से आपका खेती के जो सामान निकलता है धान गेहूँ बिकता है? हाँ बिकता है, पे होगा आमदनी नहीं आती सर, आन की मजूरी ना कह के वही में करते हैं सर। तो कहते हैं तो शिवराज सिंह चौहान की बहुत खुश है किसान? नहीं, किसान तो परेशान है महंगाई की, 2 रुपए देती है 5 रुपए देती है। अरे भाई साहब थोड़े इधर आइए, ये 2 रुपए देती है 5 रुपए देती है ये समझ में नहीं आया। हमारे कहने का मतलब ये, जैसे हम लोग के किसान का हुआ, ठीक है ना, जैसे मान लीजिए हमारा जो है टमाटर की जैसी बात एक मामूली सी, हमने लिया 2 रुपए, ठीक है ना, मंडी में बेचना 4 रुपए हमको नहीं मिला, कमीशन ले लिए वहाँ पे, ठीक है ना, कमीशन यहाँ से भाड़ा लगाएंगे, खेत में चलवाएंगे, मजबूरी लगाएंगे, हम खुद करेंगे, क्या निकलता है ये बताइए, साल भर चाहिए हमको क्या मिला ये? ये बड़ा मुद्दा है कि जो पैसा लगाते हैं उसके बाद किसानों की जेब में जाता नहीं। खाद लेंगे 1500 रुपये, 1500 रुपये एक बोड़ी का, ठीक है ना, 1500 रुपये किसान अब कहाँ से लाए ये बताइए, है तो सीमे ना। जब अच्छा टमाटर आप लगाते हैं तो टमाटर से कितने रुपए बेचते हैं? हो गया 4 रुपए, 5 रुपए, 6 रुपए, तो आपको लागत ना निकल पाती होगी, तो आप समझ लीजिए। तो फिर किसान के साल कहाँ से हैं? तो फिर वही चीज़ है, हम कह रहे हैं किसान कहाँ से अभी उगा के और कहाँ से दे, खाते सबको ही हैं, हम ही देंगे, किसान ही देंगे तभी वहाँ खाएंगे। ये बड़ा मामला है कि जो चाहे वो करोड़पति हो, अरबपति हो या भिखारी हो, वो खाएगा तो किसान जब पैदा करेंगे तभी खाएगा। मगर हम लोग को कहाँ मिल रहा है ये बताइए, जैसे धान की बिक्री की है, मंडी तो लगा दी है ना, मंडी लगा दी, अब हमको ले जाना, तो ले जाने में हमको भाड़ा भी लगेगा, वहाँ पे बेचनेंगे अगर उसको किसी को दो 100-200 रुपये उसको दो, करवाई दो, लगवाई दो, सब कुछ दो, बच्चा कितना किसान के पास ये बताइए। अच्छा अभी टमाटर 300 रुपये किलो बिक रहा था, तो आप लोगों की टमाटर कितने रुपये खरीद रहे थे? हो गया 10 रुपये, 15 रुपये, मान ली 50 रुपये। अच्छा तो मतलब लागत जो निकलना भी मुश्किल पड़ जाता है। हाँ जी, जो शिवराज सिंह चौहान मोदी जी और नेता मंत्री कहते हैं कि किसान बहुत खुश हैं, बहुत आमदनी है, वो क्या है? वो कुछ नहीं है सर, ऐसा है कि रोड निकलवा देंगे, आवास वाला दे रहे हैं तो उसमें जो है हम लोग ये बताइए 2 लाख रुपये में आप जो है सीढ़ी बनवा देंगे, ये बताइए 1.5 लाख रुपये देते हैं घर बनाने के लिए, तो घर नहीं बनता है वो। हाँ अभी चल के देखें तो नंगा पड़ा हुआ, अभी देखें ना यहाँ चल के, हाँ पास में है,
बस खड़ा है, दीवार हो गया, मतलब पिलर बन गई, दीवार बन गई और बाकी कोई से मतलब नहीं होता। हाँ, खड़ा 1.5 लाख की नाम है, 1,20,000 देते हैं। 1,20,000 1,20,000 में तो आपका बन ही नहीं पाएगा। नहीं बन पाता था, तो फिर आप कहाँ पाओगे बाकी? वही तो आप परेशान है साहब, हम लोग का दिन भर ऐसे कमाते हैं तो खाने भर का पूछता है वहाँ पे लिख जाएगा प्रशासन गवर्नमेंट की हो गई। तो हमारे का हम उसे जन सकते हैं ना, खरीद सकते ना कुछ कर सकते। अखबारों में तो एकदम छपा होता है कि भारतीय जनता पार्टी ने ये कर दिया, दूसरी पार्टी ने ये कर दिया, लेकिन स्वभाव कोई नहीं। हम ग्राउंड बेसिस उतर के आ रहे हैं आप लोगों के पास, स्वभाव कोई नहीं। उसमें मजबूरी है हम लोग, अभी इस टाइम पे टमाटर भी लेने जाए 50 रुपए, 60 रुपए, 80 रुपए किलो चल रहा है। अभी यहाँ से हम गांव से लेके जाते हैं उसमें भाड़ा भी लग रहा है ना, उसका हमारा जो है तो भाड़ा भी नहीं निकल रहा है, हैं 5 रुपए 10 रुपए इस तरीके से निकल रहा है। अच्छा एक चीज़ और है, आपके रीवा विधानसभा में भी है और आपका जो गाँव सगरा लौवा ये भी है, नशा एक बड़ा मुद्दा है, युवा सब नशा के गिरफ्त में है, इसके लिए कोई पहल कोई कुछ नहीं मिल पाई, बेरोजगारी बेरोजगारी नहीं, काम मिलेगा तो कोई कुछ नहीं करेगा, फालतू बैठे करेगा, दिमाग करेगी ना, परेशान होके भी करते होंगे लोग, हताश होके करते भाई, जो पढ़े लिखे लोग हैं उनको अगर रोजगार नहीं मिला है फालतू बैठे दिमाग तो आते ही ना। प्रधानमंत्री मोदी कहते हैं कि आप सड़क में दुकान खोलिए, 20-30 हज़ार रुपए का लोन शिवराज सिंह चौहान दे रहे हैं, आपको भी लोन मिला है क्या? नहीं मिला, रोजगार करने के लिए रोड में काहे बैठते हैं यहाँ पे ठेले में बैठे हैं, कोई निपटा दिया तो। कितने रुपए का व्यापार आप कर लेते हैं? कम से कम ज्यादा भी होता है 500 हो जाता है, 500 में कितना फायदा मिलता होगा? कम से कम 100-200 रुपए, 100 रुपए आप दिन भर में कमा रहे हैं, दिन भर अपन सब्जी भाजी चला रहे हैं। 100 रुपए आश्वासन, रोजगार नहीं देते, 1500 रुपए देते हैं, आप काम दो ना, सरकारी नौकरी दो ना, काम दो भाई। आप 1500 रुपए दे दिए, ये राशन फ्री कर दिए तो अपाहिज हो गए ना भाई, काम ना करे फिर भी हमको खाना मिल रहा है भाई, आप रोजगार दो, काम करवाओ, उसके बाद पैसा दो ना, ये मुद्दा है। अच्छा बहुत सारे लोग से हमने बातचीत की तो ये भी निकल कर रहा है कि जो कुछ गल्ला मिलता है फ्री में 10-15 किलो, वो लोग वेट करते हैं, ताकते हैं और उसके बाद उसको बेच के नशा पत्ती कर लेते हैं, तो सही है ना भाई, रोजगार है नहीं भाई, घर है बदलाव लग रहा है कि आएगा, होगा, हमको तो बदलाव चाहिए। बीजेपी के लोग कहते हैं कि पशु हमारे माता हैं, हम उनके लिए काम कर रहे हैं, वो पशुओं के लिए बना हुआ है, कुछ बना है गांवों में, कहाँ बन रहा है कुछ नहीं है, जो कुछ आदमी रखे हुए हैं तो अपने घर में बांधे हुए हैं, बाईवे जंगल में बना है, जंगल में जंगल बहुत दूर कहाँ बना हो, हम लोग हम पहुँच ही नहीं पाएंगे, ले जाने में दिक्कत है, डंडा मारते हैं, तो इंतजाम किए होंगे ना कि कोई ले जाए, कोई कर्मचारी होंगे ना, 500 रुपए आता है, 500 रुपया कुछ नहीं आता है, सीधे डंडा लगाते हैं, मारते हैं, कहाँ ले जाए, हमारे खेते में डाल देवे, हाथ लटकवा देते गुरु है, अब हम कहाँ देंगे पैसा, दे गाड़ी वाले को पकड़ेंगे ले जाएंगे, अगर गाड़ी वाले को ए कहाँ ले जा रहा, कहाँ छोड़ने जा रहा, और चल खड़ी कर थाने में, खड़ी कर यहाँ पे, खड़ी कर, कौन देगा मुद्दा ये बताइए, गाड़ी वाला बेचारा छोड़ने जाएगा। काका कौन कौन सी समस्याएं हैं आपको, तो क्या लगता है कि नई सरकार आएगी, अगर जैसे आप लोग बोल रहे हैं नई सरकार बदलाव आना चाहिए, उसमें काम करे, नहीं हमको पुरानी हो या नई हो काम करे वो आपके लिए, तभी आप वोट देंगे। हाँ क्या कौन कौन से आपके काम है जो करना चाहिए सरकार को? हमको बच के ये रोजगार मिलना चाहिए, जिस लड़के बच्चे पढ़ाए उसको नौकरी मिलना चाहिए, हम लोग को अगर जमीन मिले तो हम लोग किसानी करें उसमें, आगे को बढ़े, तो आगे को तो बढ़ ही नहीं पा रहे, भूये के रह गई थे। अच्छा ये बताए खिचड़ी देने से हो जाता है, पढ़ाई नहीं होगी, पढ़ाई नहीं, हम प्राइवेट में कैसे भेजेंगे लड़की, जहाँ पास पैसा नहीं है, शासकीय भेज रहे हैं है ना, शासकीय भेज रहे हैं, खिचड़ी भर मिलती है, पढ़ाई होती नहीं, बस कुर्सी लगा के मोबाइल चला के बस अपना काम। अच्छा ये हाँ ये बड़ा मुद्दा है, अभी हम कुछ लोगों से बातचीत की, उन्होंने कहा कि राजेंद्र शुक्ला ने ऐतिहासिक काम किया, सनराइज स्कूल आ गई, बड़ी स्कूल आ गई, विद्यालय 8वीं 10वीं 12वीं हो गया, लेकिन पढ़ाई गरीब के बच्चे ही इसमें आते हैं, बड़े लोग के जो बच्चे हैं, बड़े जो पैसे वालों के उनको मिलेगा, उनको सब कुछ मिलेगा, मगर गरीब को कहाँ मिलेगा ये बताइए, गरीब को कहाँ मिल रहा है, कोई सुनवाई नहीं, शासकीय स्कूल है, गवर्नमेंट की स्कूल है ना, वहाँ पे फीस नहीं लग रही, हम मानते हैं हमारे पास पढ़ाने का नहीं है, फीस देने का तो हम कहाँ पढ़ाएंगे, शासकीय पढ़ाएंगे ना,
तो मैडम लोग क्या करेंगी, हाँ बच्चों पढ़ो, जब रिजल्ट नहीं लागत आगे बढ़ेगा कैसे, फिर वो बेरोजगार होंगे, नशापत्ती करेंगे, चोरी करेंगे कुछ भी करेंगे उसके उसमें मतलब ये कहें कि कुछ भी ध्यान नहीं दिया जाता, केवल चुनाव के समय बस बड़े बड़े दावे होते हैं। तो अमूमन आप यही देखते हैं कि बड़े बड़े दावे और वादे होते हैं चुनाव के समय, बड़े बड़े मंचों में बड़े बड़े अधिकारी कर्मचारी और नेता जमाते हैं, जमीन पर कुछ भी काम नहीं होता। अगर गरीब लोगों के लिए काम होता तो शायद ये गरीब आज ये बोल रहे होते नहीं हमारे लिए काम हुआ है। बहुत बड़े मुद्दा है, बहुत सारे मुद्दे हैं, लेकिन मध्य प्रदेश में जो सबसे बड़े मुद्दे चल रहे हैं वो आज भी वही मूलभूत आवश्यकताएं, रोटी कपड़ा मकान का चल रहा है। और सबसे बड़ी बात है किसानों की समस्या, जो खाद बीज और उनकी किसानी में फायदा नहीं मिल रहा है, किसान परेशान है, किसान खुश नहीं है मध्य प्रदेश का, ये हम नहीं ये किसान बोल रहे हैं और आपको समझने की जरूरत है। अगर इन 20 सालों में आप ना समझ पाए होंगे तो फिर अब समय आ गया किसानों का। 17 तारीख को मतदान होगा और किसान अपनी समस्याओं को लेकर जिस पर ठप्पा लगाएगा सरकार उसी की बनेगी। नमस्कार।